तकनीकी दिक्कत से अब बैंक, स्टॉक एक्सचेंज भी प्रभावित हो रहे हैं और तकनीकी दिक्कत से जिस तरीके से ये सेवाएं इस वक्त बाधित हो रही हैं, आपको बता दें बड़ी खबर है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और दुनिया के कई देशों में जिस तरीके से इसका प्रभाव दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खामी इसकी वजह है। लेकिन इस बीच लंदन में जिस तरीके से इस वक्त एयरलाइन सर्विसेज के साथ साथ रेल सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी प्रभावित हुआ है इस वजह से और दुनिया के कई देशों से आ रही दिक्कतों के तहत ही आपको बता दें इस वक्त अलग अलग एयरपोर्ट्स की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये लंदन एयरपोर्ट की अंदर की तस्वीर आपके सामने है जहां आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से लोगों की दिक्कत बढ़ती जा रही है और लोगों की भारी भीड़ भी यहां पर अब नजर आ रही है। इस बीच लंदन स्टॉक एक्सचेंज की सेवाएं ठप और ब्लूमबर्ग के हवाले से यह दावा किया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर इसका असर हुआ है। और इस बीच ब्रिटिश रेलवे की सेवाएं भी जिस तरीके से प्रभावित हो रही है उसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि कई ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जो फिलहाल इस वक्त एयर ऑन एयर नहीं हो पा रहे इस दिक्कत की वजह से। तो जिस तरीके से इस वक्त हालात यहां पर बने हुए, सीधे इंग्लैंड से एक गेस्ट डॉक्टर अमित गुप्ता इस वक्त मेरे साथ हैं। डॉक्टर अमित, शुक्रिया वक्त देने के लिए और आपके माध्यम से हमारे दर्शक इस वक्त ये समझ पाएंगे कि आखिर किस तरीके से लंदन स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ ब्रिटेन में इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी की वजह से दिक्कतें सामने आ रही हैं। नमस्कार। हाँ, ये आज सुबह उठते ही ये चीज़ खबर की खबर सबको मिलने मिल रही है कि किस तरह का कैओस पूरा ब्रिटेन में फैल चुका है और जैसे जैसे दिन चल रहा है आगे, क्योंकि यहाँ पे से अभी सुबह के 9:40 हुए हैं, ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो चीज़ें दिन में काम करती हैं जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज हुआ और अलग अलग एयरलाइंस के वो हुए, बैंक के टर्मिनल्स हुए, कॉफ़ी मशीन्स जो कॉफ़ी शॉप्स हैं जो कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड लेती हैं और कैश नहीं लेती, वो नहीं काम कर रही हैं, तो ये ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं था। ये बहुत बड़ा आउटेज है और इसको ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इसको सॉल्व करने में सब थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो ये डिसरप्शन ब्रिटेन में हर जीवन के हर पहलू पे है। जैसे हम ये भी सुन रहे हैं कि जो जीपी के अपॉइंटमेंट्स हैं जिसमें जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं जो अपने पेशेंट्स को अपॉइंटमेंट्स देते हैं उनके सिस्टम्स डाउन हो रहे हैं और जिस तरह का कैओस है, मतलब ये दर्शाता है कि हम जिस तरह की दुनिया में जी रहे हैं वो इतनी इंटरकनेक्टेड है कि एक अगर जो चीज़ ख़राब होती है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो तेज़ी से ऐसी ऐसी जगह महसूस होता है जहाँ आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात आपने कही और ये बहुत बड़ी बात आपने बताई कि ना सिर्फ लंदन स्टॉक एक्सचेंज, एयरलाइंस के साथ साथ रेल सर्विसेज, ट्यूब सर्विसेज, लंदन की अंडरग्राउंड रेल सर्विसेज इफेक्टेड है, बल्कि एयरपोर्ट के साथ साथ अब हॉस्पिटल्स पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पीयूष पांडे भी मेरे सहयोगी इस वक्त स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहे हैं, उनसे भी इस बारे में बात करूं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की इस दिक्कत के बारे में लगातार इन्फॉर्मेशन पीयूष हमें दे रहे हैं। उससे पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बैंक सेवाओं पर भी इसके असर को लेकर खबर मिल रही है जहां सर्वर ठप होने से बैंक सेवाएं बंद हो चुकी हैं और सरकार ने सर्वर ठप पर एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। और जिस तरीके के दुनिया भर में इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं, बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं जहां अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन में भी अब जिस तरीके से इसके असर को लेकर खबर बताई, वहीं खबर अब ऑस्ट्रेलिया से भी सामने आ रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी बैंक सेवाओं पर इसका बड़ा असर देखने को मिला है। सर्वर ठप होने से बैंक सेवाएं जिस तरीके से इस वक्त बंद हुई है, सरकार ने सर्वर ठप पर अब बैठक भी बुला ली है। पीयूष, क्या अपडेट है इस बारे में और जिस तरीके से ये दिक्कत दुनिया भर में असर डाल रही है इसको लेकर और क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए सुरभि, जो माइक्रोसॉफ्ट 365 और विंडोज 10 यूज़ करते हैं उसमें जो क्लैशेज हैं उसकी वजह से ये दिक्कत सामने आ रही है। दुनिया भर में करीब 4.25 अरब सिस्टम्स पर इनका उपयोग किया जाता है, अधिकतर बड़ी कंपनियां इसका उपयोग करती हैं क्योंकि वो अपने सर्वर जो जानकारी होती है, डेटा होती है, उसको सुरक्षित रखना चाहती हैं और यही वजह है कि इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। इसमें जब एरर सामने आई उसके बाद से मल्टीपल एरर की बात सामने आई और माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना है कि वो अहम कदम उठा चुका है लेकिन अभी तक पूरी तरह से सिस्टम ठीक नहीं हो पाया है। तो इसमें आप ये देख सकती हैं कि पूरी दुनिया भर में अलग अलग देशों में बैंकिंग सेवाएं हो, एयरलाइंस हो, पेमेंट सिस्टम हो और रेलवे हो, मेट्रो हो, फायर सर्विस हो, एम्बुलेंस हो, हॉस्पिटल, रेडियो, इस तरह की जो सेवाएं हैं जो सिस्टम पर निर्भर रहती हैं उन पर असर आया है, वो प्रभावित हुई हैं और भारत में अभी तक सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं एयरलाइंस।
जो सेवाएं हैं, इसके अलावा आपकी जो बाजार है वो पूरी तरह से सही तरीके से चल रहा है और बड़े पैमाने पर अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि पूरी तरह से सेवा प्रभावित हो गई हो, क्योंकि हमारे पास मैनुअल देखने को मिल रही है पीयूष, उसमें महत्वपूर्ण है कि माइक्रोसॉफ्ट के इसी सर्वर में गड़बड़ी की वजह से भारत समेत दुनिया भर में जिस तरीके से अफरा तफरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गड़बड़ी का असर एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा है, गड़बड़ी का असर बैंक में देखने को मिल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज से लेकर न्यूज चैनल्स के प्रसारण तक पर देखने को मिल रहा है, ब्लैंक स्क्रीन है यहां पर, यहां तक कि कई रेडियो स्टेशन भी इस वक्त ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज की सेवाएं तो प्रभावित हो रही है, लेकिन इस वक्त अमित जो हमारे को इस वक्त इंग्लैंड से ज्वाइन कर रहे हैं वो तो ये भी साफ तौर पर बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी सर्विसेज पर इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि फ्लाइट सेवा प्रभावित होने से दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भोपाल से मेरे सहयोगी शुभम ने आपको तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से बाहर ही एयरपोर्ट के बाहर कैंसल फ्लाइट्स को लेकर तो डिटेल सामने आ रही है, हालांकि कुछ फ्लाइट्स अभी भी शेड्यूल्ड हैं, क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि इस वक्त एयरलाइंस मैनुअली ऑपरेट करने की कोशिश कर रही हैं, साथ ही यात्रियों से जिस तरीके से लगातार हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं, कुमार कुंदन ने भी कुछ यात्रियों से अब से थोड़ी देर पहले बात की है कि आखिर इस टेक्निकल ग्लिच की वजह से किस तरीके की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में परेशानी आने की वजह से कई सारे जो विमान सेवाएं हैं वो ठप हो गई हैं, लोगों के टिकट बुकिंग नहीं हो रहे हैं, लोगों के टिकट्स कैंसिल हो रहे हैं और विमान कंपनियां एडवाइजरी जारी कर रही हैं कि एक बार अपना सफर करने से पहले जरूर पूछ लें कि क्या स्थिति है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आप कहाँ से आए हैं? सर जी, हमने तो बेंगलुरु से इंडिगो फ्लाइट में आए थे, 8 बजे की फ्लाइट थी और दिल्ली यहाँ पे 10:30 बजे पहुँची, और कोई और भी हमारे साथी लोग को बुक करवाना था बेंगलुरु से इधर पहुंचने के लिए, वो चेक कर लिया, 2-4 एजेंट के पास कह रहे थे कि वो उनका कुछ इंडिगो का सर्वर डाउन है और आपका माध्यम से भी ये पता चला, कुछ सॉफ्टवेयर का सारा मतलब दुनिया में और हमारे देश में भी इसका अक्सर पड़ा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। क्या कितना मुश्किल हो रहा है टिकट वगैरह बनवाने में? ये बहुत मुश्किल हो रहा है, हम लोग आज सुबह आ गया, हम फिर जाने का रास्ता देख रहे हैं, अभी आपका माध्यम से मिला, हमको मालूम हो गया कि टिकट टाइम मिल रहा है, उसी के वास्ते हम अभी सोच रहे क्या करेंगे। तो अब क्या ऑप्शन बचा फिर? अभी तो हमारा दोस्त का बड़ी माँ भी मर गया है, उसको जाने के लिए जरूर है, फिर भी हमारे को टाइम नहीं मिल रहा है, हमें बहुत तकलीफ में है, अभी देखना है क्या कर रहा है एयरवेज लोग, अभी सोचेंगे, अभी तो तुरंत जाना पड़ता है हमारा भाई। कितना मुश्किल हो रहा है, टिकट कैंसिल नहीं बन पा रहा है? नहीं हो रहा सर, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, अभी जाना, मेरा बड़ा माँ मर गया, अभी मैसेज दे रहा है अभी जाने का है, अभी तो उसको कुछ डेट का खबर ही आ गई है, टिकट इधर से वापस लौटने के लिए, फिर भी अभी इसके वजह से सॉफ्टवेयर की वजह से जो अभी टिकट भी एयरलाइंस का कुछ उसका बारे में कुछ खबर भी नहीं मिल रहा है हमें।